जय हिंद दोस्तों, अनिल सरेठी शाम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रेलवे रिक्रूटमेंट से नॉर्थ सेंट्रल रेलवे प्रयागराज की तरफ से आईटीआई पास आउट कैंडिडेट के लिए अप्रेंटिसशिप निकल कर आई थी दोस्तों, जिसका ऑनलाइन फॉर्म 14 दिसंबर 2023 तक भरा गया था, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मेरिट लिस्ट भी जारी हो चुका है। आज यानी कि 28 दिसंबर 2023 से लेकर के 4 जनवरी 2024 तक इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होने वाला है। एनसीआर प्रयागराज की तरफ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का कट ऑफ भी जारी हो चुका है। कितने परसेंटेज तक के कैंडिडेट को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि पिछले से कितनी ज्यादा कट ऑफ इस बार गई हुई है, जिससे आपको अंदाजा लग पाए पिछली जो वैकेंसियां हैं उनमें कट ऑफ कितना हाई हो सकता है, उसके भी पहले जो वैकेंसी थी उन दोनों में कंपेयर किया जाए। तो हम यही कंपेयर करके देखेंगे। कुछ ऐसे भी कैंडिडेट्स हमें देखने को मिले हैं जिनका कट ऑफ से भी नंबर अधिक था, तब पर भी उनका शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया है। ये रीजन जानने के लिए आपको एनसीआर प्रयागराज ही जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई अदर ऑप्शन नहीं है। दूसरा एक ऑप्शन है आरटीआई करने का माध्यम है, आप यहीं पर आरटीआई का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आरटीआई पोर्टल पर जा करके आप आरटीआई करके जानकारी ले सकते हैं। इससे टाइम लग जाएगा आपको, 15 से 20 दिन का टाइम आपको लग जाएगा। ये चलिए कट ऑफ की बात करते हैं। अनिल सर, आईटी का ऐप आपने डाउनलोड नहीं किया तो कर लीजिएगा, काफी सारे कैंडिडेट जुड़ चुके हैं। ट्रेड्समैन मेट का टेस्ट सीरीज शुरू है, आप भी जा करके ज्वाइन करिए और टेस्ट सीरीज में जा करके तैयारी भी जारी रखिए। चलिए कट ऑफ हम देख पाएंगे ट्रेड का, तो ये फीटर ट्रेड का कट ऑफ देखिए दोस्तों, यूआर में तो गया हुआ है 84.55835। ये फीटर का कट ऑफ दिखाई देगा दोस्तों यूआर में, मिनिमम जो शॉर्टलिस्टेड है मिनिमम कट ऑफ देखने को मिलेगा यहाँ पे, तो मिनिमम 84.55 पर कट ऑफ गया हुआ है यूआर का। अगर हम पिछला देखें, एक मेरिट लिस्ट है मेरे पास 22 से 23 का, जिससे फीटर का यूआर में 83.22 गया हुआ है, जबकि यहाँ पर 84.55 गया हुआ है। हमने प्रीवियस ईयर कट ऑफ भी वीडियो बनाते हैं तो उससे बताते हैं आपको कि आपको 3 से 4% अधिक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर देखिएगा तो 1 ही % आपको दिखाई दे रहा है अधिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। वहीं एसटी में देखिएगा तो 73.99 गया है, और पिछले साल देखिएगा तो एसटी में वहीं पर 74.14 गया है, पिछली बार से भी कम कट ऑफ यहाँ पर देखने को मिला हुआ है। फीटर में देखिए तो मिनिमम कट ऑफ गया हुआ है एससी में 81.66, और इसके पहले देखिए एससी में तो 80.80, यानी कि 1.5% अधिक गया हुआ है। ओबीसी देखिए फीटर में तो 82.38 गया हुआ है इस बार, और पिछली बार ओबीसी में 81.62 गया हुआ था। तो देखिए इससे क्या है, ये आपको जो दिखा रहे हैं ये कट ऑफ, ये सेकेंड कट ऑफ है, ठीक है, ये फर्स्ट नहीं है, दूसरी बार शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट का है। अगर हम पहली बात करें तो इससे हाई ही गया था और इसी के बराबर गया था। इसका भी सेकंड मेरिट लिस्ट जब आएगा, ये हमने वीडियो डाला हुआ है, सेकंड पार्ट है, और सेकंड एक और मेरिट लिस्ट इसके बाद जारी हो तो इससे कट ऑफ कम जाएगा। इससे कितना कट ऑफ कम जाएगा तो मिनिमम इससे देखिए 2 से 3% जो कट ऑफ कम जाएगा, इससे अधिक ही जाएगा, मतलब 3-4 भी जा सकता है, मिनिमम 2 से 3% कम जाएगा कट ऑफ, ठीक है। ईडब्ल्यू एस का देखिए तो 77.86 दिखाई दे रहा है, पिछली बार जो है यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे देखिए 74.62, यहाँ पे ईडब्ल्यू एस 76.62 दिखाई दे रहा है, जबकि इस बार जो है 77.8, यानी कि 1.5% अधिक इस बार है। वहीं इलेक्ट्रीशियन की बात करें, इलेक्ट्रीशियन में देखिए इस बार तो इलेक्ट्रीशियन में 89.45 है जनरल में, वहीं प्रीवियस में देखे तो 87.15, यानी कि 2% अधिक है। वही इलेक्ट्रीशियन में देखिए, एसटी में देखिएगा इलेक्ट्रीशियन में तो 83.25 गया हुआ है, वही आप देखिएगा तो एससी में तो 85.49, 82.53 एससी एसटी में दिखाई देगा। वही आपको ओबीसी में 88% तक दिखाई देगा। वही आपको पुराना देखिएगा तो यहाँ पर ओबीसी में 86 तक गया है, मतलब 2% यहाँ पे अधिक गया हुआ है। ईडब्ल्यूएस में 87% लिस्ट किया गया है, और ईडब्ल्यूएस पिछली बार 85.50 पे शॉर्ट लिस्टेड थे। इसी तरह से आप देखिएगा तो कट ऑफ यहाँ पे, कट ऑफ पिछली के मुकाबले 2-3% अधिक देखने को मिलेगा, और सेकेंड, ये फर्स्ट मेरिट लिस्ट था, जब सेकेंड मेरिट लिस्ट जब जारी किया जाएगा, ये सेकेंड मेरिट लिस्ट थोड़ा समय लगता है, उम्मीद करते हैं कि 1 से 1.5 महीने के अंदर ही इसका जो और मेरिट लिस्ट देखने को आपको मिल जाएगा, ठीक है। जनवरी इंड होते होते
या फरवरी के फर्स्ट वीक तक भी आपको इसका सेकेंड मेरिट लिस्ट देखने को भी मिल जाएगा, ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। बाकी सभी ट्रेड अपने एक बार कट ऑफ देखिए, और जो भी कैंडिडेट का अगर ऐसा लगता है कि नहीं मेरा परसेंटेज इससे हाई था और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देख लीजिए यहाँ पे इतना कट ऑफ था आपका, तो जरूर शॉर्टलिस्ट हुआ होगा। फॉरम में कोई गड़बड़ी हो सकती है, और नहीं आपको लग रहा है नहीं फॉरम सब सही है, तो एक बार NCR प्रयागराज जरूर जाइए। भर्ती प्रकोष्ठ जो है यहाँ पे बताया गया आपको, हम एड्रेस बता देते हैं, वहाँ पे जरूर जाइएगा, वहाँ जा करके अपना दिखाइएगा, तो शायद हो सकता है कि आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी करवा लिया जाए, और उनकी गलती अगर होती है तो फिर आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके ज्वाइनिंग भी मिल जाएगा। ठीक है, ज्वाइनिंग उसी दिन नहीं मिलेगा, मतलब बाद में आपको मिल जाएगा, मतलब ठीक है। तो आप रेलवे रिक्रूटमेंट सेल नवाब यूसुफ रोड नियर वाल्मीकि चौराहा प्रयागराज आप जरूर जाए। अगर आपको इस तरह से लग रहा है कि नहीं परसेंटेज कम है, आपका परसेंटेज अधिक है, तो जरूर जाइए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली जानकारी के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखे दोस्तों, शेयर कर दे ताकि सभी को जानकारी मिल सके। टेलीग्राम चैनल पर पर्पल की अपडेट आपको मिलती रहती है, तो टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करके रखिए ताकि कोई भी अपडेट आपको मिस ना हो। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल सर ITI ऐप डाउनलोड कर लीजिए तैयारी के लिए, प्रैक्टिस के लिए, नेवी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है, नेवी ट्रेड्समैन मेट का जुड़िए। मिलते अगली वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।